नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्कूल लेक्चरर की 12वीं क्लास, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं आज पुनर्जागरण। अभी तक अपन ने देखो 12 क्लास के अंदर ही यदि आप देखोगे तो अपनी छोटी छोटी क्लासेस रही है, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की, 35 मिनट, 40 मिनट या इससे भी कम। उसके अंदर अपन ने नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पूरी चीजें समझते हुए, याद करते हुए यहां तक आए और पुनर्जागरण तक आ चुके हैं। ठीक है, पुनर्जागरण के बाद में फिर गांधी जी और उनसे संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर भीमराव अंबेडकर, और यही है लगभग भारतीय इतिहास में। और भी होगा तो देख लेंगे जीके से रिलेटेड। फिर ये भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री वाला आपके कंप्लीट हो जाएगा, और बेहतरीन नोट्स जिसे कहोगे वो आपके पास में आ गए हैं। यानी तैयारी करने का एक जो तरीका होता है ना, वो यही है साथियों। इसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ में आगे बढ़ना है, इतनी चीजें याद हो जाएगी, उसके बाद में आपको अपना स्तर बढ़ाना बहुत आसान लगेगा। फिर ये चीजें जो मैं आपको यहाँ क्लास के माध्यम से बता रहा हूँ, निश्चित रूप से आप इसके अंदर एक भी शब्द नहीं छोड़ेंगे, पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसको याद करना ही करना है। एक्स्ट्रा भी मैं जानकारी देता हूँ तो उसे भी नोट डाउन करके लिखा करें। ठीक है, जब भी पढ़ते हो तो पास में एक रफ रजिस्टर या रफ कॉपी रखा करें। कई सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करते समय बता दी जाती है आपको, तो ऐसी एक्स्ट्रा होती है वो लिख दिया करो, बेनिफिट आपको ही होगा। ठीक है, बाकी एक 34,000 अफवाह उड़ती बिन कल खंडन करियो तो है, देखो कल एक वीडियो बनायो है बिन देख दो, मतलब एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि ये चीज, ये माहौल ही है साथियों। जब वास्तव में जब आएगी ना तो पुख्ता प्रमाणों के साथ में कोई भी घोषणा होगी, और उसके बाद में जो है ना आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं भी कि क्या ये खबर सही है या क्या नहीं है, वो खबर खुद सत्य होकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। ठीक है, आप विचलित ना हुआ करें। इसमें क्या है कि देखो, वैकेंसी आना अच्छी बात ही है, आप लोगों के लिए एक और ऊर्जा का संचार ही होता है, लेकिन झूठी और अफवाह वाली चीजों पे थोड़ा सा आपको विश्वास कम करना होगा, और एक आत्मनिर्भरता आपके अंदर आ जानी चाहिए इस समय तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छा, इसके अंदर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पुनर्जागरण के अंदर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर है ना, तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर सीधी चीजें जो है वो स्पष्ट कर रखी है। जैसे कि यहाँ पे आपको पढ़ना है राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, यानी ये तीन व्यक्तित्व जो है वो पढ़ने हैं। क्योंकि पुनर्जागरण यदि देखा जाए तो बहुत एक बड़ा टॉपिक है, और यदि सब तो पढ़ेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाएगी अंदर, लेकिन यहाँ पे इन तीनों को मेंशन कर रखा है। आज की इस क्लास में अपन इन तीनों को पढ़ लेंगे शॉर्ट नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, और बहुत सारी चीजें मैं आपको इनमें बता दूंगा। तो उसमें से सबसे पहले जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है राजा राममोहन राय, यानी कि पुनर्जागरण की शुरुआत ही कह दो, या पुनर्जागरण शब्द भारत के संदर्भ में कहीं आया है तो निश्चित रूप से राजा राममोहन राय सिलेबस में शामिल होगा ही होगा। ठीक है, राजा राममोहन राय पढ़ना ही पढ़ना है, एक तो राजा राममोहन राय, एक दयानंद सरस्वती, ये पढ़ने ही पढ़ने होते हैं और शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, चल, ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये आपको एनसीईआरटी की किताबों में दिख जाता है, ये फोटो जो है ये रेमब्रांट पिल का है, मतलब रेमब्रांट पिल नहीं है इसके अंदर, है तो राजा राममोहन राय, लेकिन ये पेंटिंग जो बनाई है वो रेमब्रांट पिल ने बनाई है। अब ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि 1857 की क्रांति में भी तो बारकर का बनाया हुआ फोटो पूछ लिया गया था लखनऊ वाला, तो यहाँ पे इसको भी मेंशन कर देता हूँ क्योंकि ये फोटो राजा राममोहन राय का आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, और आने वाले समय में यदि पूछ ले तो फिर ध्यान रखना कि ये रेमोन पिल की बनाई हुई पेंटिंग है तो राजा राममोहन राय, ये मत समझ लेना कि यही रेमोन पिल है। ठीक है, चलिए, जन्म मई 1772 बंगाल में होता है, पिता रमाकांत देव, माता तारिणी देवी, नहीं पूछा जाएगा, साथ साथ बताना पड़ता है कि ये है, लेकिन नहीं पूछा जाएगा। माता पिता आज दिन तक नहीं पूछे गए हैं किसी भी व्यक्तित्व से संबंधित, एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है बंगाल के रहने वाले थे ना, तो इनको बंगाल में राम राया की उपाधि मिली थी, इनके पिताजी को, ये रमाकांत देव जी है ना, इन्हें राव राया की उपाधि मिली थी। बंगाल के नवाब ने दी थी, यहीं से फिर राय साहब, राय साहब कहने लगे, और इसी के कारण राजा राममोहन राय, ये पीछे जो आप राय देखते हो ये यहां पे इस कारण है, और ये आगे जो आप राजा शब्द देखते हो ये कोई राजा नहीं थे,
लेकिन ये राजा इनकी उपाधि थी, ठीक है। और ये उपाधि दी किसने, ये उपाधि दी अकबर ने। अब आपको कि सर अकबर तो इनके समय था ही नहीं, तो यहाँ पे द्वितीय कर देना, ठीक है। वो वाला अकबर नहीं है 1540-42 में जन्म हुआ, वो वाला नहीं है, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए ये इंग्लैंड भी गए थे, वो मुगल शासक था, लेकिन वहां पे अंग्रेजों के देखो अधीन होने के बाद में पेंशन रा पड़िया फोड़ा, पेंशन रा फोड़ा पड़ने कारण राजा राममोहन राय बहुत एजुकेटेड था, इस बात को समझना। चलिए हिंदी पे आ जाता हूँ, काफी सारे जो है अदर स्टेट से भी पढ़ने लगे अपनी क्लासेस, तो चलिए हिंदी में बता देता हूँ, मजा आपका बराबर रखूंगा लेकिन हिंदी में भी मजा लिया जा सकता है। राजा राममोहन राय एजुकेटेड थे, राजा राममोहन राय को 6 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, अरबी, फारसी, ग्रीक, हिब्रू वगैरह बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। तो भाई पेंशन बढ़वानी है, वित्तीय मामला है, पैसों का मामला है, वहां पे अंग्रेजों के पास भेजना पड़ेगा, उनसे वार्तालाप करनी पड़ेगी, उनको राजी भी करना पड़ेगा, ठीक है, उनको समझाना भी पड़ेगा, तभी तो पेंशन बढ़ेगी। अकबर द्वितीय खुद चला जाता तो काम बढ़िया, और हेताजी को भी ले लेता अंग्रेज, तो इनको भेजा यहां से, और यहां से मतलब विदेश इंग्लैंड जाने वाले राजा राममोहन राय भारत के प्रथम व्यक्ति भी बने, प्रथम व्यक्ति ये वही थे। फिर बाद में इनकी मृत्यु भी वही हो जाती है, इस दरमियान जब ये वहां जाते हैं तो इनकी मृत्यु भी वही हो जाती है। ये चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखो यहां तक ही पढ़ा अपन ने, ठीक है, नोट मेकिंग में यहां तक आए, लेकिन मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीजें बता दी, इसलिए मैं कहता हूँ पास में रफ कॉपी रखा करें, चाहे स्पीड में रफ में लिख दो। अच्छा आपको क्लास तो अपलोड मिलती है, तो आप पॉज करके लिख के वापस प्ले कर सकते हो, भाई थे खुदरी मर्जी ना मालिक हो, वो तो बहुत बढ़िया बेनिफिट है ऑनलाइन एजुकेशन, तो आप अपनी मर्जी से बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, गुरुजी थोड़े इधर आ गए तो आप बैक करके उनको क्या पीछे हटो तो पीछे भी ले जा सकते हो, वापस आगे तो आगे भी ले जा सकते हो, मतलब आपकी अंगुलियों के जो है कठपुतली बन जाते हैं ये। चलिए थोड़ा सा माहौल को हल्का कर रहा था, आ जाते हैं बैक टू यहाँ। उपनाम इनके आधुनिक भारत के पिता कहा गया, इन्हें आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक कहा गया। आधुनिक आधुनिक क्यों आ रहा है, प्राचीन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि प्राचीन भारत गुप्त काल मौर्य काल वो नहीं है, यहाँ पे अंग्रेज आ चुके थे तो फिर आधुनिक भारत कहा जाएगा, ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ते हो ना, वो यही इतिहास है पूरा। तो आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक, देखो प्रथम भी आपको कितना अच्छी तरीके से याद रह जाएगा कि पुनर्जागरण में अपन सबसे पहले राजा राममोहन राय को पढ़ रहे, तो प्रथम समाज सुधारक में आपको याद भी रह जाएगा कि राजा राममोहन राय है। इन्हें युगदूत कहा गया, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात का तारा कहा गया इन्हें, और इन्हें पाश्चात्य और भारतीय इन दोनों के बीच का सेतु भी कहा गया, इन दोनों विचारों के बीच का सेतु। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजा राममोहन राय जो है अंग्रेजी के समर्थक थे, अंतरराष्ट्रीयता के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है ना, इनके अंदर मतलब वो अपन कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन उसके ये समर्थक थे, भाई अंतरराष्ट्रीयता के, अंग्रेजी के, इन सब के समर्थक थे, तो कम कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन को इन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन समाज सुधार के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें की, और इनको एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरीके से अंग्रेजों के समर्थक थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है जो आप गहराई में जाके समझनी होती है, तब आप उस विचारधारा को समझ पाते हो। देखो व्यक्ति को समझना और व्यक्ति की विचारधारा को समझना, ये दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। अब चलिए इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी, चलिए मैंने यहां भी बता दिया था, ये नोट्स मेकिंग में आपके पास में आ भी गया। युगदूत की उपाधि इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी। अच्छा यहाँ पे कई बार सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं ना अपन, तो वहां पे भी एससी का प्रयोग करते हैं, एचसी का करते हैं हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये करते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी, ये याद रखना, ठीक है। इनके द्वारा फारसी में लिखे गए तुफात उल मुआहिदीन को गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस्ट कहा गया। गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस्ट यानी एकेश्वरवादियों का उपहार, हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, एकेश्वरवादियों का उपहार। इसके अंदर, इस रचना के अंदर ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ठीक है। ये क्या है, तूफात उल मुआहिदीन, अब ये देखो फारसी में लिखी हुई है, इसके नाम से ही आप चले जाओगे, और यहां से ध्यान रखना कि ये मूर्ति कला का विरोध करते हैं, मूर्ति कला का विरोध करते हैं इसके अंदर। इसकी जो मतलब
ये कह सकते हो कि इसका प्रारंभिक पन्ना या कह सकते हो आप प्रस्तुतिकरण कह सकते हो इसका, वो अरबी भाषा में है। ठीक है, इसकी मतलब क्या कहें इसको अपन, जो सबसे पहले जैसे प्राक्कथन वगैरह आता है ना, फर्स्ट पेज, जैसे कि आप मेरे भी किताबें पढ़ते हो तो लेखक कथन आ जाता है, मतलब आपकी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो इसका कह सकते हैं कि पहला पन्ना जो होगा यानी प्रस्तुतिकरण जो है इसका, वो अरबी भाषा में दे रखा है। किसकी बात हो रही है? तूफात उल मुवाहिदीन की, गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस्ट कहा जाता है या एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। ठीक है, मूर्ति कला और इनके इनके ये जो है विरोधी थे, मूर्ति कला के विरोधी इनके, इसके अंदर इन्होंने सुब्रमण्यम शास्त्री को तर्क में पराजित भी किया था। एक सती प्रथा के समर्थक और थे एक व्यक्ति जिनका नाम था तर्कवागीश, उन्हें भी इन्होंने तर्क के अंदर पराजित किया था। ये तो सती प्रथा के विरोधी थे, इन्होंने तो रोक लगवाई थी, तो कोई भाई विचार, जब सती प्रथा चली आ रही तो कोई समर्थक भी तो हुए होंगे, तो समर्थक थे तर्कवागीश, उनको इन्होंने पराजित किया था। पराजित मतलब कोई युद्ध कुश्ती उश्ती नहीं कराई है उसमें, तर्क में। राजा राममोहन राय की प्रमुख पत्र पुस्तकें और संस्थाएं जहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं तूफात उल मुवाहिदीन, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये प्रिसेप्ट ऑफ जीसस है ना, इसके अंदर साथियों इन्होंने ईसा मसीह के देवीय सिद्धांत का खंडन किया है, ईसा मसीह के देवीय रूप का कह देना आप, देवीय रूप का खंडन किया। देखो मेरा जो कंफ्यूजन होता था, मैं वही चीज समझ के पढ़ाता हूं कि मुझे जहां कंफ्यूजन होता है वहां विद्यार्थियों को भी होता होगा, और 80% को तो होता है, 20% का नहीं कह सकता। मुझे जहां कंफ्यूजन होता था वो एक तो ये प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और एक ये तूफात उल मुवाहिदीन, और कंफ्यूजन क्या होता था कि किसके अंदर तो ईसा मसीह के देवी रूप का खंडन है और किसके अंदर मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। ठीक है, तो यहां पे आप सीधा सा ये देखना कि जीसस किसको कहते हैं, ईसा मसीह यानी कि ईसाइयों से संबंधित है, तो बस ईसा मसीह के देवी रूप का इसके अंदर है, और इसीलिए मैंने आपको यहां पे गोला लगाया था पिछली स्लाइड पे कि मुआहिदीन के अंदर क्या है अपने, मूर्ति पूजा का विरोध है, तो ये यहां से याद हो जाएगा। ठीक है, संवाद कौमुदी जिसे प्रज्ञा चांद भी आप कह सकते हो, फारसी ये अपने बंगाली भाषा के अंदर था, मिरातुल अखबार, ब्रह्मेनिकल, ये ब्रह्मेनिकल अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में ये जो है आपके बंगाली के अंदर, तो ये बंगाल के थे, बंगाली के अंदर, और बंगदूत वगैरह ये सारी सारी इनकी रचनाएं हैं। यदि संस्थाओं की बात करें तो संस्थाओं से प्रश्न बड़े बनते हैं। अब देखो इन शॉर्ट सारी सारी चीजें, मक्खन है ये तो सीधा ही, आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 के अंदर, कई पुस्तकों में आपको 1814 भी लिखा मिलता है, लेकिन 1815 के अंदर इसकी स्थापना की है। वेदांत सोसाइटी, और एक यहाँ पे ध्यान रखना है ये वेदांत कॉलेज, दोनों को साथ में ध्यान रखना है, एक तो वेदांत सोसाइटी और एक वेदांत कॉलेज, देखना वेदांत सोसाइटी पहले है 1816 में और वेदांत कॉलेज है 1825 में, बाद में है। फिर वही बात कि सर ये तो कंफ्यूजन वाला काम हो गया, फिर हम याद कैसे रखेंगे, ये तो वापस वही की वही स्थिति आ गई। तो यहां पे ऐसे ध्यान रखना, कोई सोसाइटी बनाई है, सोसाइटी यानी वैसे समाज होता है, कोई सोसाइटी बनाई, अपन सोच लेते हैं भाई गोकुलधाम सोसाइटी, ठीक है याद रह जाएगा, कोई सोसाइटी बनाई है, उस सोसाइटी में अब टप्पू सेना पड़ती है यानी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे बड़े होंगे तो उनको पढ़ने के लिए स्कूल से कॉलेज जाना पड़ेगा, तो पहले सोसाइटी बनाई है उसमें बच्चे रह रहे हैं, वो बाद में बड़े होंगे वो कॉलेज जाएंगे, तो पहले क्या आएगी, सोसाइटी आएगी, वेदांत सोसाइटी आएगी, उसके बाद में वेदांत कॉलेज आएगी, तो सोसाइटी पहले 1816 में और ये 1825 में। बस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की है, यहाँ पे डच गणिता डेविड हेयर और एक और स्कॉटिश धर्म प्रचारक थे जिनका नाम था एलेक्सेंडर डफ, ठीक है, इन दोनों के सहयोग, इन तीनों के ने मिलकर किया, ये समझ लेना, यहां पे मैं नाम लिख लेता हूं, डच गड़ीसाज डेविड हेयर प्लस एलेक्सेंडर डफ, ठीक है, ये स्कॉटिश धर्म प्रचारक थे, ये डच गणिसाज थे, तो इनकी मदद से ये हिंदू कॉलेज की यहाँ स्थापना करते हैं 1817 के अंदर।
ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि ब्रह्म समाज में आगे जाकर इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के अंदर जो है विभाजन भी होते हैं, दो विभाजन हुए हैं ब्रह्म समाज के अंदर। यहीं पे बता दूं क्या, विभाजन दो होते हैं विभाजन, ठीक है। देखो विभाजन नंबर एक, ये पेन शायद दिखेगी नहीं आपको, ये ले लेते हैं। नंबर एक जो होता है वो 1866 में होता है, और नंबर दो जो होता है वो 1878 में होता है, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, ये दोनों इनके विचारधाराएं अलग हो जाती है, तो फिर 1866 में ये अलग हो जाते हैं। और केशव देवेंद्रनाथ टैगोर तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, और केशव चंद्र सेन जो है वो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। फिर यही भारतीय ब्रह्म समाज आगे जाकर और डिवाइड हो जाता है 1878 में, और फिर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना और होती है। वो इस कारण होती है कि केशव चंद्र सेन है ना, ये अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्ष की उम्र में मात्र, जबकि इनके नियमों के अनुसार कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए थी लड़की की उम्र, ठीक है, लेकिन वो 13 वर्ष की उम्र में कूच बिहार के राजा से उसका विवाह कर देते हैं। जब खुद ही उस सिद्धांतों पे खरे नहीं उतरते तो दिखती बात है कि लोग विरोध करते हैं। फिर आनंद मोहन बोस और उन्होंने सबने ना अलग संस्था कर दी, और ये 1878 है ये, ठीक है ना, ये 75 नहीं है, ये 78 है। 1878 के अंदर वो अलग हो जाती है संस्था। वापस से लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ये तो 66 है, ये 1878 है, ठीक है। तो ये हालांकि ये जो हिस्ट्री जिसके है ना, विशेष रूप से जिनके हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है, उनके लिए ये विभाजन वाला ये अंदर तक बहुत प्रश्न बन सकता है। बाकी जीके के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, तो जीके के अंदर इतना अंदर तक विभाजन, और विभाजन का भी विभाजन इतना अंदर तक नहीं बनता है, ऊपर ऊपर के बनते हैं, खास तौर पे राजा राममोहन राय के आसपास आपको पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोल के बता दिया, जिसको महत्वपूर्ण लगे वो नोट डाउन कर सकते हैं। इनके प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को नियम 17, इसे कहा जाता है 17, ऐसे का ऐसे एक बार प्रश्न आया था रोमन संख्या के अंदर लिखा हुआ है। नियम 17 के तहत विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो इनके क्या है, इनके भाई की पत्नी को जबरदस्ती इनके सामने ही सती किया गया, इन्होंने देखा तब इनको लगा कि ये प्रथा वास्तव में विकराल है और खराब है, ये विकराल रूप लेती जा रही है। फिर इन्होंने विरोध किया, और बहुत सारे प्रयासों के बाद 1829 के अंदर इस सती प्रथा पर रोक लगाया। हालांकि इनसे पहले भी ऐसे प्रयास हुए थे, जब इसका इसकी आलोचना अकबर ने वगैरह की है, अहिल्याबाई ने और सबने, लेकिन रोक जो है लीगली वो लगती है सती प्रथा पर 1829 में। आगे बढ़े, कौन सी स्लाइड पढ़ी है अपन ने, अभी ये पढ़ी है ना, अभी ये पढ़नी है। राजा राममोहन राय पहले भारतीय थे जो समुद्र पार इंग्लैंड गए थे। अब इंग्लैंड क्यों गए थे ये पूछना मत, क्योंकि मैंने बता दिया है, अकबर द्वितीय की पेंशन में वृद्धि कराने के लिए गए थे, ठीक है। वहां पे मेरी कारपेंटर के वहां पास में रहते हैं ये, इंग्लैंड में कहां रहते हैं ये, मेरी कारपेंटर, और वही उनके वही इनका इनकी जो मृत्यु हो जाती है, और बाद में एक पुस्तक भी लिखती है मेरी कारपेंटर इनके ऊपर, ठीक है। राय की मृत्यु इंग्लैंड में ही हुई थी, और ब्रिस्टल में इनका स्मारक बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है इस स्मारक पर। हरिकेली नाटक की किसका किसके द्वारा लिखा गया था ये, या तो आपके तो विग्रहराज चतुर्थ या बिशल देव, अजमेर का शासक था ना, पढ़ाया है आपको विग्रहराज चतुर्थ या बिशल देव, इसकी लिखी हुई पंक्तियां हरिकेली नाटक की यहां पे भी लिखी हुई है, और 2.5 दिन के झोंपड़े पे भी लिखी हुई है, ये चीज अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये ध्यान रखोगे आप, राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का संचालन क्रमें से किसने किया, तो सबसे पहले पंडित रामचंद्र विद्यावागीश, फिर द्वारकानाथ टैगोर जब ये इंग्लैंड प्रवास पे थे तब, और इनकी मृत्यु के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। फिर केशव चंद्र सेन ने है ना बहुत प्रचार प्रसार किया इनका, मतलब बहुत ऊंचाइयों पर ले गए, लेकिन 1866 में वही बताया विचारों के मतभेद के कारण फिर विभाजन होता है, फिर 1878 में वापस होता है, पहला विभाजन 1866, फिर 1878 के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे, और इनकी विचारधारा मैंने आपको बता दी है सारी, तो राजा राममोहन राय के अंदर सारे फैक्ट आपको याद हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं अपन आर्य समाज।
राजा राममोहन राय से संबंधित कौन सा था? ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज था। अब पढ़ रहे हैं अपन आर्य समाज, यानी कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। जन्म 1824 टंकारा गुजरात के अंदर होता है, पिता अम्मा शंकर, माता यशोदा बाई। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था और गुरु इनके स्वामी विरजानंद थे। देखो गुरु पूछा जाता है एग्जाम में, यहां जीवनी से, यहां से प्रश्न नहीं पूछते माता पिता से, और ये प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन गुरु से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस का गुरु कौन था। फिर आपको सी आर दास तो सही, फिर यहीं पे जैसे आप इनके गुरु तो स्वामी विरजानंद, और जैसे आप भक्ति आंदोलन पढ़ते हो तो उसमें तो दबा के पूछते हैं गुरु, ठीक है। मृत्यु इनकी 1 अक्टूबर 1883 दीपावली के दिन होती है, दीपावली के दिन मृत्यु होती है। और मृत्यु होने का कारण ये होता है, जोधपुर आए हुए थे महाराज, महाराज यानी कि आप दयानंद सरस्वती जी, और इन्होंने यहाँ के शासक जसवंत सिंह द्वितीय को एक वैश्या थी नन्ही जान, उसके साथ में मतलब देखा, और इन्हें लगा कि जो राजा है अपने कर्तव्यों को भूल रहा है, अपने जनता के प्रति जो कर्तव्य है उसको भूलकर, और इस पासवान के चक्कर में पड़ा हुआ है, सारा सारा अपना जीवन और अपने आदर्शों को नष्ट कर रहा है। तो इन्होंने उसे भरी सभा में हिदायत दी, और भरी सभा में इतिहासकार बताते हैं कि नन्ही जान को कुतिया शब्द से संबोधित किया और इसे चेताया। उस शब्द की पीड़ा नन्ही जान के अंदर इतनी पहुंची कि इसने मन ही मन मानस बना लिया, और वहीं का एक रसोईया था जगन्नाथ, उसको कहकर इनके दूध में पिसे हुए कांच का जहर मिलवा दिया, और उसको पीने से, हालांकि वो पिसे हुए कांच का जो जहर होता है ना, वो इतना सॉलिड होता है कि उसे यदि किसी ने पिया, अगर किसी ने ट्राई किया हो तो मुझे बताना, अगर उसे किसी ने पिया तो मतलब अंदर से पूरी आते वाते कट जाती है और हाथों हाथ मृत्यु हो जाती है। लेकिन स्वामी जी के अंदर इतना योग और उसकी मतलब इतनी शक्ति थी कि इन्होंने अपने आप को योग के आधार पर 1 महीने तक जो है बचा कर रखा, लेकिन अंततः जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का कारण यही था। तो नन्हीजान नाम की वैश्या थी, जगन्नाथ जो था रसोईया था, और ये चीज है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनका प्रसिद्ध नारा पुनः वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। देखो उदयपुर में इन्होंने महाराणा सज्जन सिंह के समय परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जो बाद में फिर यहाँ पे की थी, लेकिन बाद में फिर अजमेर स्थानांतरित किया गया इस सभा को। सत्यार्थ प्रकाश इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना ये उदयपुर में करते हैं, लेकिन इसका प्रकाशन अजमेर से होता है। तो प्रश्न बनने के पैटर्न को आप देखोगे कि प्रश्न बन क्या रहा है, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। भाई अपनी आदत होती है कि प्रश्न देखा सत्यार्थ प्रकाश और फटाक बोला बनने में रहते हैं, अरे पूरा गुण पड़े तो मना आवे, मैं जानू ना। बस बाद में देखा कि लिखी उड़ो प्रकाशन कहाँ हुआ या कहाँ पे लिखी, या फिर बाद में देखते हैं कि लास्ट में, अरे यार इसमें तो नहीं लिखा हुआ था, अरे फोटो कर दियो, मना हाथों हाथ ही ध्यान पड़ जाए कोई सवाल में तो कि ये मेरे गलत हो गया। बह की नहीं अपन थाले की पड्डो नहीं है, ठीक है, बिंग बाद में सिर्फ करते क्या हो कि या तो नकुनू क्वेश्चन नहीं करो, नखून से उसको काटने की कोशिश करते हो, वो भय रहता है कि यार ओएमआर कट की चेक नहीं हुई तो, या फिर इधर उधर ब्लेड के लिए टप्पे मारते हो, या एग्जामिनर को टेंशन में डालते हो फिर कह यार ब्लेड आके दो मेरे गलत हो गया, या फिर इधर उधर कहीं वाइटनर की जुगाड़ करते हो और वो कहीं कुछ काम नहीं आते, वो गलत भरा हुआ गलत ही माना जाता है, उसका अंक मिलता ही नहीं है चाहे कितना ही कुरेचो चाहे कितना ही करो, ठीक है। इसलिए कभी भी एग्जाम देते हो ना तो वहां पे प्रश्न को 2 बार पढ़ो। मैं हमेशा एग्जाम स्ट्रेटेजी बताता हूँ एग्जाम से पहले, और विद्यार्थी कहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ जने गलती करके आते हैं। प्रश्न बिल्कुल सरल है, भले ये पूछा है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी, अपन को पता है जयपुर है, हाँ अभी तो जयपुर ही है, फिर बाद में देखी जाएगी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है अभी जयपुर ही है अपन को पता है, लेकिन फिर भी 2 बार पढ़ना है कि ये पूछा तो क्यों पूछा है, फिर संतुष्ट है तो कर दो, कोई समझ नहीं लगता वहां, कम से कम गलत तो नहीं होगा, आत्मसंतुष्टि तो रहेगी कि आया हुआ गलत नहीं किया। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में बंबई में की है, ठीक है। 1877 में इसी आर्य समाज का मुख्यालय ये लाहौर स्थानांतरित कर देते हैं। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, शुद्धि आंदोलन से मतलब है जिसको जबरन किसी को धर्म परिवर्तन करवाया, ईसाई बनाए वगैरह बनाए, तो उनको शुद्धि आंदोलन के जरिए वापस जो है हिंदू धर्म में लाना, तो ये शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया। लाहौर के अंदर इनके आर्य समाज का प्रचार प्रसार लाला हंसराज और लाला लाजपत राय करते हैं, और लाला लाजपत राय के अंदर मैंने आपको न सिर्फ पढ़ाया
पढ़ाया बल्कि लिखाया हुआ भी है नोट्स में, ठीक है, तो वहां से टैली कर लेना। लाहौर के अंदर प्रचार प्रसार का काम उनका था, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे ये चीजें सारी की सारी आपको याद रहेगी। मैन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सत्यात प्रकाश वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपन आगे, स्वामी विवेकानंद ऐसे व्यक्तित्व जिनको देखकर अंग्रेज कहते हैं कि यार जब ऐसे लोग भारत में रहते हैं तो हमें मतलब वहां पर धर्म प्रचारक भेजने की क्या जरूरत पड़ी, मतलब वहां धर्म प्रचारक भेजना हमारी मूर्खता है जहां पे स्वामी विवेकानंद जैसे लोग रहते हैं। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा तेज इनके चेहरे पर था कि लोग जो है इनसे नजर नहीं मिला सकते थे। ऐसे मतलब किताबें तो ऐसे पढ़ते थे, स्वामी विवेकानंद जैसा दिमाग होना, किताब ऐसे पढ़ते ऐसे देख रहे हैं और याद है पेज संख्या समेत लाइन बता देते कि इस लाइन पर यह लिखा हुआ है। ऐसे कुशाग्र बुद्धि के व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ और 12 जनवरी को ही आपको बताओ तो युवा दिवस कैरियर डे मनाया जाता है, ठीक है। पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी। वास्तविक नाम इनका नरेंद्र नाथ था और ये काफी बार प्रश्न बना है, अब ये इजी प्रश्न हो गया है। गुरु इनके रामकृष्ण परमहंस थे और इन रामकृष्ण परमहंस के गुरु पूछे तो ध्यान रखना परमहंस तोतापुरी। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के गुरु परमहंस तोतापुरी। उपाधियां इनकी तूफानी हिंद, मानवता का सम्मान, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता इन्हें कहा गया है, ठीक है। और देखिए स्वामी जी ने यह प्रश्न स्कूल लेक्चरर अभी वाली जो आपके गई है ना उसके अंदर ये प्रश्न बना है, उसी के अंदर बना है, मतलब अभी के किसी एग्जाम में उसमें ही बना है शायद। स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म संसद में भाग लिया। अब मान लीजिए यहां सितंबर 1893 तक भी बन सकता है, ये महीना पूछा था उसके अंदर, यदि डेट पूछ लेते तो भी अपने की हुई है, वन लाइनर के अंदर भी दी थी और पहले जो क्लास करवाई उसमें भी करी, मतलब जीजीडीएस जितने भी है या जीजीडी से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी है 90% प्लस सवाल अपन ने कवर किए थे, चाहे वन लाइनर कह दो, चाहे बुक्स कह दो, चाहे क्लासेस कह दो। और खर्चा क्या हुआ बताओ, आप 10-10, 20-20 हजार की कोचिंग कर लेते हो, यहाँ पे खर्चा मुश्किल से 500 रुपए हुए होंगे, 1000 रुपए हुआ होगा, और किताबें वैसे भी लेते हो तो भी वो आखिर में वो खर्चा होना ही। टेस्ट सीरीजें जो 500-1000 वाली थी वो 50-50, 60-60 रुपए में अभ्यास करवाए विद्यार्थियों को, और उन टेस्ट सीरीजों ने सवाल दिए, मेन बात तो ये। नहीं तो लोग कहते हैं टेस्ट सीरीज से सवाल नहीं आते हैं, सिर्फ अभ्यास के लिए होती है, अपन तो कहते हैं सवाल आते हैं क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज में सभी प्रश्न डाले हैं, विद्यार्थियों को भरपूर अभ्यास करवाया है। और पटना का जो मॉडल है अभ्यास वाला उसको यहाँ पे साकार करने का एक जो सपना देखा उसके लिए निरंतर काम करते हैं, और उस सपने के बाद यानी कि उसके बाद विद्यार्थियों के सवाल गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट सिर्फ कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है। ये सिद्धांत में जो बातें लिखी गई है इन्हें हकीकत में बदला जाए ना तो वास्तव में इतिहास बदलता है, जो आप देख भी रहे हैं। रामकृष्ण मिशन 5 मई 1897 कलकत्ता के अंदर, तो देखो एक तो सन याद रखना है 1897, एक याद रखना है 1893। अच्छा ये जो है ना ये धर्म संसद थी, कई जगह धर्म सम्मेलन लिखा आता है, ये धर्म संसद थी, ये आप इसी धर्म संसद का फोटो देख रहे हैं, ठीक है, ये इसी धर्म संसद का फोटो आप देख रहे हैं, जो शिकागो धर्म संसद है ना ये इसी का है, लिख देता हूं। अच्छा इसमें स्वामी जी कहां बैठे हैं आप देख कर बताओ, देखें आपको यहां पे स्वामी विवेकानंद जी कहां दिखते हैं बताओ, देखें इस फोटो के अंदर ही स्वामी जी है, ठीक है। तो जिसको नोट हो जाए और दिख जाए ना वो थोड़ा सा बता देना कमेंट करके कि हाँ गुरु जी बिंग गले बैठा है, देखो वो एक आदमी बैठो ना एडो बिन पहचाना बिन गले बैठा है, ठीक है, यूं बता दियो तो मैं पहचान जाऊं कि हाथ है पारखी हो, ठीक। चलिए मायावली मठ की स्थापना की इन्होंने 1899 के अंदर। पुस्तकें इनकी ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और मैं समाजवादी क्यों, ये भी इनकी पुस्तक है। अच्छा शिकागो धर्म संसद में जो इन्होंने बोला, जो इन्होंने वक्तव्य दिया वो दिया था शून्य पर, शून्य पर इन्होंने वक्तव्य दिया, ठीक है, शून्य पर बोलना शुरू किया। इनका कहना ये था कि आप कुछ भी लिख के बताओ मुझे, एक पॉइंट भी यदि करोगे तो वो शून्य है, सब चीजें जो शुरू होती है वो शून्य से, शून्य के बिना कुछ नहीं होती। लोगों ने यहां पर गए तब इनका मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे ये बोलने लगे
और इनके मतलब उद्गार जैसे बाहर निकले, मतलब लोग फैन हो गए हाथों हाथ ही वहां की, मतलब पूरी जो है सब जितने भी धर्म संसद के अंदर बैठे थे जय जयकार गूंज उठी। और भारतीय एक मतलब तभी तो लोगों ने वहां पे कहा कि वहां के एक न्यूज पर का न्यूज पेपर ने प्रकाशित किया कि यदि स्वामी विवेकानंद के देश जैसे देश में हमें धर्म प्रचारक भेजते हैं हम, तो इससे बड़ी हमारी मूर्खता कुछ नहीं है। ये चीज वहां पे कही है समाचार पत्र इनके प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, ये इनके समाचार पत्र रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आपके शॉर्ट एंड स्वीट नॉर्थ मेकिंग पैटर्न पर आप लोगों की ये क्लास भी पुनर्जागरण की पूरी हुई। वैसे यदि देखा जाए ना अनावश्यक तो चीजें इसमें बहुत सारी मिलती है जो आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार नहीं रहती, तो यदि राजा राम मोहन राय को भी 2 दिन में पढ़ा जाए तो भी कम पड़ जाए, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन अपन एग्जाम पैटर्न को लेकर चले हैं और यहाँ पे ये इन क्लासेस से भी सवाल बाहर गए नहीं है, तो ये फिर धीरे धीरे क्या होता है दायरा बढ़ता है, फिर आपको ये सब चीजें याद होगी ना तो कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा अपने आप याद हो जाते हैं जिसमें आप खुद भी दायरा अपना बढ़ाते हैं। वो समय के अनुसार आपको सारी स्ट्रेटेजी और सब कुछ बताया जाएगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। आप तो बिल्कुल अपने आप को कंटिन्यू रखें, यानी ये दिमाग के न्यूरॉन्स जितने एक्टिव रहेंगे, जितना बाकी बातें दिमाग में कम आएगी उतना आप अपने लक्ष्य पर कॉन्सेंट्रेट करके फोकस कर पाओगे, और जितनी मतलब फ्री बैठोगे ना, खाली दिमाग शैतान का घर है। और एक जो गैप आ गया, तो गैप आया तो जितना पड़ा हुआ है वो भी फटाफट डिलीट हो जाता है, फिर शुरुआत से शुरू करने पड़ता है। तो आप इसको कंटिन्यू जरूर रखें, जितने विद्यार्थी कंटिन्यू रखेंगे, आप हमें भी देखते हो ना, हम भी क्लासेस कंटिन्यू लेते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि विद्यार्थी तो कंटिन्यू पढ़ते ही है। यदि मैं 4 दिन मौज कर लूं, मैं 4 दिन क्लास ही नहीं लूं, तो 5वें दिन मेरी इच्छा नहीं होती कि क्लास लेनी है। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मैं 5-6 दिन अगर नहीं लूं क्लास, तो फिर वास्तव में वो क्लास लेनी वापस, फिर वो एक अलग ही फिर वो फीलिंग आती है, आलस आने लगता है, अपने आप को झोंक नहीं पाते हैं कि हाँ यार ले लेंगे कोई नहीं ये। इसलिए मैं हमेशा कंटिन्यू रहने की कोशिश करता हूं, और मैं विद्यार्थियों को भी कहता हूं कि आप जो भी लक्ष्य है आपका, जो भी चीज जिस भी फील्ड में हो, आप वहां पे कंटिन्यूटी जरूर रखें। और 100% आप यदि GGD चैनल को ही देख लो, ये आज इस 350 सब्सक्राइबर विद्यार्थियों का प्रेम है, ये किस लिए मिल पा रहा है? क्योंकि कंटिन्यूटी है। यदि मैं 7 दिन में एक वीडियो देता, एक क्लास देता, तो ये कंटिन्यूटी नहीं होती, तो आप ये स्तर आज नहीं देख पाते। तो यही चीज है, चाहे कोई भी लक्ष्य होगा तो उसे हासिल करना है तो एक चीज जरूर गांठ बांध लो कि नियमितता होनी चाहिए, तो आप कैसा भी लक्ष्य होगा हासिल कर सकते हो। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।